पूरा बॉर्डर पता नहीं आवाज आ रही। कैसे हो आप सब? आज हम जाने वाले हैं सिनेमा हॉल, एंटमैन एंड वॉच क्वांटिनियम देखने वाले हैं, मूवी वॉच करने वाले, कैसी मूवी कैसी नहीं। आज हम जाएंगे घंटाघर अंबा सिनेमा में। अब 12:45 का शो है तो अभी निकलते हैं। अभी बज रहे हैं 11:30 बज रहे हैं, तो एक घंटा पहले निकलना होता है क्योंकि आधे घंटे का रास्ता है तो जाम भी हो सकता है ना, तो वही निकलना पड़ेगा। और ज़्यादा आप लोगों से बात नहीं कर सकता बस वगैरह में, तो रास्ता दिखाएंगे फिर आपसे। हम आ चुके हैं घंटाघर पे और काफ़ी टाइम है बस को आने में, और बस अपनी जाएगी 125 EXT यहाँ से निकलती है और 12:09 पर आ सकती है, तो 11:55 में अभी मैंने बस रूट चेक किया है, तो जैसे बस आती है बस के अंदर मिलते हैं और मूवी कैसे होगी आपको मिलते हैं आगे। तो अभी तक एक भी बस नहीं आई है भाई, 125 बिल्कुल नहीं आई, बहुत टाइम लग रहा है, 1.5 घंटे से मतलब आधा एक घंटा हो गया मुझे खड़े हुए, लेकिन अभी तक गाड़ी ही नहीं आई। अभी तब तक इंतज़ार करूँगा, शो का टाइम भी निकला जा रहा है, 12:45 मेरे बजने जा रहे हैं, 12:20 होने वाले हैं शायद से ये वाली होगी। चलिए मिलता हूँ भाई। अभी क्या हुआ कि मेरे को आधे घंटे से बस नहीं मिल रही थी, तो मोरी गेट आने के बाद मुझे आना पड़ा 131 में रामपुर बॉर्डर। पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और ये हमें अभी 30,000 रुपये थिएटर पहुंचने में अभी 10 मिनट बाकी है यार। 12:35 हो चुके हैं, 12:45 पे अपना शो है, तो भाई काफ़ी दिक्कत होने वाली है भाई, इतने देर से मेरे को बस मिल ही नहीं रही थी भाई। अभी हमें आइस फैक्ट्री के पास, अभी जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि भाई बस तो GPS ट्रैक गलत है, 131 पे ट्रैवल कर रहे हैं, कैमरा गंदा हो गया, 131 पे ट्रैवल कर रहे हैं। बस में पहुँचने 10 मिनट बाकी है, जैसे पहुँचते हैं तब। तो फाइनली गाइस टिकट मिल चुका है यार, लेकिन फीस करेंगे काउंटर पे आके लेंगे। चलिए अंदर चलते हैं। 7 बजे आगे आरटीओ, तुम्हें क्या लगता है तुम लाइसेंस नहीं दोगे तो क्या लाइसेंस नहीं मिलेगा मुझे? बेटा एक बात सीख, अपने बाप जैसा ना अपॉर्चुनिटी कभी लास्ट फोन है भाई, इसमें से आप पीछे सब के लिए रोंगे और मेरे ही हो आप। विजय सर की लड़ाई के सबसे बड़े फैंस हैं, अब तेरा हीरो जीतेगा मेरे हीरो से। मैं जिस पब्लिक ने आसमान में चढ़ा है वही पब्लिक उस सितारे को सभी में लेके आएंगे। हम आपके दोस्त हैं। गार्डन ऑफ द गैलेक्सी का ट्रेलर कम ऑन ड्रैक्स, क्या कर रहा है तू? भाई अभी आया हूँ बिल्कुल लेट पिक्चर शुरू होने से पहले, और ये गार्डन ऑफ द गैलेक्सी का वॉल्यूम 3 का चल रहा है ट्रेलर। हम तो बस भागते ही रहे हैं अपनी पूरी जिंदगी, बीट अब भागूंगा नहीं भगाऊंगा, मारेंगे आखिरी उड़ान मिलके सारे यार, जाएंगे मेरी जान। मुझे तो बैस्किन रॉबिंस से भी निकाल दिया गया था, कभी आपकी किस्मत चमक जाती है। मैं तो बहुत लकी हूँ कि मैं वो पहला ही हूँ, उसे तो आप जानते ही होंगे, उसके डैड की कंपनी फिर से उसके हाथ में आ गई और अब वो पिम पार्टिकल से दुनिया को संवारने में लगी है। दुनिया को बचाने की बातें तो बहुत लोग करते हैं मगर वो मुझे नहीं। ये हो चुका है इंटरवल, भाई इंटरवल हो गया। अभी तक मूवी काफी अच्छी रही, बिल्कुल शानदार फाड़ू मूवी है,
जाओ आरती देखो, और पिक्चर चालू होने वाली है ऐड आज, तो पिक्चर देखने के बाद आप काफ़ी डांसर मूवी है, बिल्कुल अच्छा है, पता नहीं पोस्ट क्रेडिट सीन है कि नहीं देखना पड़ेगा। और यहाँ तक तो लोग आप सभी को कैसा लगा कमेंट से जरूर बताना, बहुत बड़ा स्क्रीन है, बहुत बड़ा है, मैं आया हूँ घंटा करके हम बस मूवी हो चुकी है दी एंड। मूवी काफ़ी अच्छा था और यहाँ पे से ज़्यादा भी लगी है, तो भाई मूवी काफ़ी बहुत अच्छा था बहुत, और अभी हम यहाँ से एग्जिट किए हैं। और ये सिनेमा हॉल पड़ता है घंटाघर अम्बा सिनेमा में। और कैसा लगा आप सभी को यहाँ तक का व्लॉग, अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा। फाइनली अब जा रहे हैं यहाँ से, एंट्रेंस था काफ़ी अच्छी मूवी बनी है भाई, बहुत अच्छा मूवी है। और वैसे भी मैं मार्वल का फ़ैन हूँ तो हर एक मूवी देखता ही हूँ, यहाँ पे से ज़्यादा भी लगी हुई है। तो चलते हैं घर पे, तो तब तक के लिए बाय, हम मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर।